द मुकेश राजपूत शो में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, सुपर एक्सक्लूसिव। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बेबाक इंटरव्यू। अभी ये मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो ये जो नारा है अभी आपको धरातल पे उतरता हुआ नजर आ रहा है? ये नारा ये देश ने दिया, ये देश के लोगों ने दिया है। अब इनका युवराज फिर खड़े होया, वो बोलता है मंच के ऊपर खड़ा होकर के एक झटके के अंदर गरीबी को मैं समाप्त कर दूंगा। वो इंदिरा गांधी को भी छोड़ गया, राजीव गांधी को भी छोड़ गया, उसके पास पता नहीं कौन सा लदीन का चिराग है कि जिसको रगड़ेगा और रगड़ करके वो गरीबी को समाप्त कर देगा। किस प्रकार की बातें करते हैं लोग। सूर्या समाचार के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस का क्या बताया पाक कनेक्शन? हमारे गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि धारा 370 भी हो गया, राम मंदिर भी हो गया, अगला जो उद्देश्य है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है। बिल्कुल उसी की लड़ाई हमारी है, उसी की लड़ाई हमारी है ना। कश्मीर तो हमारा था ही। वो व्यक्ति कांग्रेस के समर्थन में दिल्ली में पोस्टर लगाता है और पोस्टर लगा करके ये बोलता है कि कांग्रेस को वोट दे, किस दिशा में देश जा रहा है? ये कांग्रेस कहाँ ले जाना चाह रही है? पाकिस्तान के बड़े नेता ट्वीट करते हैं कि कांग्रेस को जिताओ। मोदी की गारंटी को पूरा करने का क्या है मास्टर प्लान? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप अपनी उपलब्धियों के तौर पर गिनवाते हैं, और ऐसी कौन सी आपकी इच्छाएं हैं जो आप कहते हैं कि एक बार हमें फिर से चुन के लाइए, हम ये वाली चीज अभी नहीं हुई है इसको पूरा करेंगे? आज ये बात बोलते हैं कि किसान की हालत खराब है। अरे 5 साल 10 साल के अंदर हालत खराब हो गई है क्या? इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो वो लोग हैं जो देश के ऊपर लंबे समय तक शासन करते रहे। एक नेता ने तो मंचों के ऊपर खड़ा होकर के कहा, उसकी वीडियो भी है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ ये मंच को प्रशस्त लिया, कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है मैं कभी भी उसके साथ समझौता नहीं करूंगा। तो किन की बात कर रहे हैं बता दीजिए? अरविंद केजरीवाल की जी। देखिए द मुकेश राजपूत शो सूर्या समाचार पर रविवार दोपहर 12:30 बजे, रात 8 बजे और रात 10 बजे।